सूचना तथा प्रौद्योगिकी कानून आईटी एक्ट के तहत बने नियमों के तहत अब डेटा निगरानी के गृह मंत्रालय के नए आदेश को लेकर सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि इसमें नया कुछ नहीं है, यह संप्रग के समय का 2009 का ही फैसला है, आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन्होंने इसके साथ ही आश्वस्त किया कि कानून में इस बात की पुख्ता व्यवस्था है कि इसका दुरुपयोग न हो। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय में ताजे बने साइबर सुरक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत 10 खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का सीमित अधिकार दिया गया है। इसमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज सारा डाटा जुटाने, उन पर नज़र रखने और उन्हें डिक्रिप्ट करने का अधिकार शामिल है। इसी नोटिफिकेशन को लेकर शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। उल्लेखनीय है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, सीबीडीटी, डीआरआई, सीबीआई, एनआईए, रॉ, सिग्नल गुप्तचर निदेशालय और दिल्ली पुलिस, ये सभी को अधिकार दिया गया है कि वे निजी कंप्यूटरों पर भी नज़र रखें और आवश्यकता होने पर उसके डाटा को चेक भी करें। लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि आईटी कानून 2000 और 2009 में विशेष परिस्थितियों में जांच और सुरक्षा एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटर नेटवर्क की निगरानी का अधिकार दिया गया है। यह निगरानी केवल गृह सचिव की अनुमति से ही की जा सकती है। यह आशंका निराधार है कि एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर की निगरानी का असीमित अधिकार दे दिया गया है। इसी तरह से राज्यों में एजेंसियों को मुख्य सचिव की अनुमति से निगरानी का अधिकार पहले से दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि आईएस से लेकर पाक प्रायोजित आतंकी गतिविधियों, सभी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चल रही उन पर नज़र जरूरी है। साइबर अपराधों पर नियंत्रण, साइबर आपराधिक आर्थिक अपराध, सांप्रदायिक तथा भड़काऊ बातों को फैलने से रोकना और संदिग्धों की पहचान करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इधर राहुल गांधी का यह कहना है कि मोदी जी भारत को पुलिस राज्य के रूप में तब्दील करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, बल्कि इससे 1 अरब भारतीयों के बीच यही साबित होता है कि आप कितने असुरक्षित तानाशाह हैं।